हम बीमार पड़ते ही रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर ही देती है और हम परेशान होते हैं। थायराइड हमारे गले में लोकेटेड बटरफ्लाई शेप एक ग्लैंड है, एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें पेशेंट की बॉडी के सेल्स थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचा। लगभग 4000 बच्चों में एक को ये होने की संभावना रहती है। अचानक से वजन बढ़ना या फिर कम होना, इरिटेबिलिटी, कई कुछ एरियाज में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत प्रेवलेंट होता है एंड उसका एक कारण डाइट में आयोडीन होम्योपैथिक मेडिसिन से किया जाता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये मेडिसिन पूरी लाइफ यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। गले में दर्द हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपका जवाब होगा हाँ बिल्कुल। एंड ये ऑब्वियस भी है कि हेल्दी कौन नहीं रहना चाहता है, सभी चाहते हैं हेल्दी बने रहें। लेकिन आज के बिजी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खान पान एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी जैसे रीजंस की वजह से हम बीमार पड़ते ही रहते हैं। कोई ना कोई बीमारी हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट कर ही देती है और हम परेशान होते रहते हैं। इनमें से कुछ बीमारियाँ हमारे ग्लैंडुलर सिस्टम से रिलेटेड हैं एंड उन्हीं में से एक है थायराइड डिजीज, जो कि हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम थायराइड डिजीज के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसके होने का कारण क्या है, उसके सिम्टम्स कितने सीरियस हो सकते हैं, साथ ही बचाव के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो थायराइड डिजीज को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी आपकी आज की होस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो वॉट यू हैव टू डू, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगी आपसे बातें करने के लिए या कोई भी हेल्थ अपडेट शेयर करूंगी तो वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जानते हैं थायराइड डिजीज के बारे में डिटेल में। थायराइड डिजीज के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि थायराइड क्या है। तो थायराइड हमारे गले में लोकेटेड बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड है एंड ये वोकल कॉर्ड के नीचे एंड क्रिकोइड कार्टिलेज के लगभग सेम लेवल पे सिचुएटेड है। थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है एंड ये कुछ हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है जिसे हम T3 एंड T4 नाम से जानते हैं। T3 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोक्सिन एंड T4 यानी कि टेट्रा आयोडोथायरोक्सिन, जिसे हम नॉर्मली थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं एंड जब इन हॉर्मोन्स का लेवल हमारी बॉडी में गड़बड़ होने लगता है तो इसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर देखने को मिलता है। इसी कंडीशन को हम थायराइड डिजीज या फिर थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं। थायराइड डिजीज दो तरह का हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। जब थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज्यादा अमाउंट में T3 एंड T4 बनाता है तो इसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। इस कंडीशन में हमारी बॉडी एनर्जी बहुत तेजी से लॉस कर देती है जिसकी वजह से हमें बहुत थकान एंड बहुत वीकनेस महसूस होता है, हार्ट बीट फास्ट रहती है एंड बॉडी वेट अचानक से गिरने लगता है, पेशेंट को गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। वहीं हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड बहुत कम अमाउंट में T3 एंड T4 का सिक्रीशन करता है, ऐसे में हमारी बॉडी में T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट अचानक से बढ़ने लगता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थकान महसूस होता है, पेशेंट को ठंडी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, साथ में हेयर फॉल, इरेग्युलर मेंसेस एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। कारणों को समझने की कोशिश करते हैं तो थायराइड डिजीज के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, या फिर ऐसा कहते हैं कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सीधा थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती हैं एंड जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम या ज्यादा हो सकता है। तो सबसे पहले हम उन कंडीशंस के बारे में जानते हैं जिनमें थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है एंड जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। नंबर वन इज थायरॉयडाइटिस। This is painless swelling of thyroid gland. Number two is Hashimoto's disease. ये एक autoimmune disease है जिसमें patient की body के cells thyroid gland को नुकसान पहुंचाते हैं।
नंबर थ्री इज पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस। 5-10% फीमेल्स को आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम थायरॉयडाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि एक टेम्पररी कंडीशन है एंड अपने आप ही करेक्ट भी हो जाती है। नंबर फोर इज आयोडीन डिफिशियंसी। थायरॉयड ग्लैंड को हॉर्मोन्स बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है एंड जब बॉडी में आयोडीन की डिफिशियंसी हो जाए ऐसे में थायरॉयड हॉर्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है। नंबर फाइव इज नॉन फंक्शनिंग थायरॉयड ग्लैंड। ये एक कंजेनाइटल एनोमली है एंड जन्म से ही कई लोगों में थायरॉयड ग्लैंड अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। लगभग 4000 बच्चों में एक को ये होने की संभावना रहती है। अगर समय पे इसका इलाज नहीं कराया गया तो आगे जाकर बच्चों को मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये थी कुछ कंडीशंस जिसमें थायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है एंड विच लीड्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जिनमें थायरॉयड ग्लैंड हाइपर एक्टिव रहता है एंड जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो उनमें से जो सबसे पहली कंडीशन है वो है ग्रेव्स डिजीज। ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है एंड इसमें थायरॉयड ग्लैंड हाइपर एक्टिव रहता है एंड जरूरत से ज़्यादा थायरॉयड हार्मोन का सिक्रेशन करता है। इसे हम डिफ्यूज टॉक्सिक गोइटर के नाम से भी जानते हैं। नंबर टू इज थायरॉयडाइटिस। दिस इज पेनफुल स्वेलिंग ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। एंड नंबर थर्ड इज एक्सेसिव आयोडीन। जब बॉडी में आयोडीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो तो वैसे में हॉर्मोन का सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये तो थे कुछ कॉजेज जिनकी वजह से थायरॉयड डिजीज हो सकता है। बट कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो थायरॉयड डिजीज को प्रमोट करते हैं या फिर ऐसा कहें जो थायरॉयड डिजीज के लिए रिस्क फैक्टर्स साबित होते हैं। कौन से हैं वो? तो सबसे पहले तो सेडेंटरी या फिर बैड लाइफस्टाइल होना, हेरिडिटी, बहुत रात तक जागना, गलत खान पान या फिर कुछ मेडिसिन लाइक एंटी डिप्रेसेंट पिल्स, डायबिटीज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर सोया प्रोडक्ट्स देन यू आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग थायरॉयड डिजीज। लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स। अगर आपको थायरॉयड डिजीज है तो आप खुद में ही कुछ सिम्टम्स फील कर सकते हैं, जैसे कि अचानक से वजन बढ़ना या फिर कम होना, इरिटेबिलिटी, घबराहट या थकान बहुत ज़्यादा महसूस होना, नींद नहीं आती है या फिर सोने में परेशानी होती है, थायरॉयड ग्लैंड बड़ा हुआ दिखता है, मसल वीकनेस एंड ट्रेम्बलिंग महसूस होती है पैरों में, पेशेंट को ठंडी या गर्मी दोनों में से कोई एक बर्दाश्त नहीं होती है, वीकनेस ऑफ मेमोरी, विजुअल डिस्टर्बेंसेस लाइक आंखों में जलन, डल, लस्टरलेस एंड ड्राई हेयर्स एंड फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स की शिकायत हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स थायरॉयड डिसऑर्डर में अक्सर हाँ देखने को मिलते हैं। ट्रीटमेंट से पहले बचाव की बात, तो कई केसेस में थायरॉयड डिजीज को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान हमें ज़रूर से रखना चाहिए। लाइक कुछ एरियाज में हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत प्रिवेलेंट होता है एंड उसका एक कारण डाइट में आयोडीन की डिफिशियंसी होना हो सकता है, तो उन लोगों को आयोडाइज सॉल्ट कंज्यूम करना चाहिए। एंड कभी कभी एक्सेस आयोडीन की वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम आती है तो वैसे लोगों को सॉल्ट इंटेक कम करना चाहिए। सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करें। अगर आपको सिगरेट एंड शराब की लत है तो उसे क्विट करें। खाने में चीनी, चावल, ऑयली एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, फिजिकली एक्टिव रहें, अच्छी नींद लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कंज्यूम करें एंड हो सके तो डेली डाइट में एक सीजनल फ्रूट जरूर खाएं। चाय कॉफ़ी अवॉइड करें। रोज़ थोड़ी देर धूप में बैठें, इससे आपको विटामिन डी मिलता है। ट्रीटमेंट की बात करूं तो थायरॉयड डिजीज़ का कंप्लीट ट्रीटमेंट होम्योपैथिक मेडिसिन से किया जाता है एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये मेडिसिन पूरी लाइफ खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ ही टाइम में आपकी थायरॉयड की प्रॉब्लम रूट से क्योर हो जाती है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ मेडिसिन के बारे में। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है थायरॉयड डिजीज के लिए वो है फाइटोलेका बेरी। जनरली सोलन ग्लैंड्स के लिए यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन है। गले में दर्द हो, सूजन हो, थायरॉयड ग्लैंड एनलार्ज्ड हो, सांस लेने में भी परेशानी होती हो,
वजन अचानक से बढ़ने लगा हो, फीमेल्स में मास्टाइटिस हो, मेमोरी ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता हो, स्किन ड्राई हो, इचिंग होती हो, पेशेंट में लाइफ को लेके लोडिंग हो, मीन्स लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता हो, उदासीनता हो, तो वैसे में हम पेशेंट को फाइटोलेका बेरी प्रिस्क्राइब करते हैं टू रिलीव हिज थायराइड कंप्लेंट। क्लिकेरिया कार्बोनिका, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स। हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्पेशली ऑन फोरहेड, थायराइड कंप्लेंट के साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, बॉइल्ड एग खाना अच्छा लगता है, इसके अलावा क्रेविंग फॉर इनडाइजेस्टिबल थिंग्स हो, लाइक चॉक, पेंसिल, क्ले, ये खाने की आदत हो, थोड़ी मेहनत करने पे थक जाता है पेशेंट, बोन्स वीक होती हैं, कमर दर्द की शिकायत होती हो, वजन बढ़ते जाता है पेशेंट का, एनलार्ज्ड ग्लैंड्स, एनलार्ज्ड थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम हो, फीमेल्स में हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता हो, एंड ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न देखने को मिले, रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है पेशेंट को, एंड शाम के टाइम नींद आती हो। तो इफ द पेशेंट कम्स विद दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स, इन दिस केस क्लिकेरिया कार्बोनिका इज द मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब्ड। थायरॉयडिनम, जब थायरॉयड कंप्लेंट के साथ साथ पेशेंट एनेमिक हो, ट्रेम्बलिंग होती हो, मीन्स पूरी बॉडी में कंपन होती हो, बिना किसी कारण का वजन बढ़ता जा रहा हो, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो, अचानक से पेशेंट को बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, मीठी चीज़ें बहुत पसंद हो, मिठाई खाना बहुत अच्छा लगता हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाए, गुस्सा करने लगे, स्किन ड्राई हो एंड इचिंग होती हो, हाथ पैर ठंडे रहते हैं, उंगलियों में नमनेस हो, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती हो पेशेंट को, एंड सुबह के टाइम नींद ज़्यादा आती हो, तो ऐसे सिम्टम्स में हम पेशेंट को थायरॉयडिनम प्रिस्क्राइब करते हैं। आयोडम, ये मेडिसिन उन लोगों को सूट होती है जो ज़्यादा खाने के बाद भी दुबले होते जाते हैं, मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स जिनको थोड़ी मेहनत करने के बाद ही पसीना आ जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम सांस फूलने लगती है, फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बार बार यूरिन पास करने की डिज़ायर होती है, हॉट फ्लश की शिकायत होती है, मीन्स गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है पेशेंट को, एंड अचानक से गर्मी महसूस होने लगती है, पेशेंट को ठंडी हवा में अकेले रहना अच्छा लगता है। तो ऐसे सिम्टम्स लेके अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसे आयोडम प्रिस्क्राइब करते हैं। फ्यूकस वेसिकुलोसिस, दिस इज कॉमनली नोन एज ब्लैडर रैक और सी केल्प, ये आयोडीन का रिच सोर्स है। ये मेडिसिन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड सिस्ट इन थायरॉयड ग्लैंड को ट्रीट करने में काफ़ी इफेक्टिव है। एग्जॉप्थैल्मिक गॉइटर मीन्स एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड विथ प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, पेशेंट का वेट बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो, फ्लैचुलेंस एंड इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, थायरॉयड डिसऑर्डर के साथ पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में हम पेशेंट को फ्यूकस वेसिकुलोसिस प्रिस्क्राइब करते हैं। दिस हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉयड हार्मोन। तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो थायरॉयड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो थायरॉयड डिसऑर्डर के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो खुद से मेडिसिन लेने से बेटर है आप एक अच्छे होम्योपैथ को कंसल्ट कर लें, वो अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको सही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलिवेंट हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। Do take very good care of yourself and your family. And of course, thank you so much for watching.